हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस अग्रवाल। आज जो हम देखेंगे कोस्ट अकाउंटेंट, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए कोर्स के बारे में फुल सिलेबस देखेंगे। फ्रेंड्स, हमें पता है सीएमए कोर्स में आपके तीन स्टेजेस रहने वाले हैं। फर्स्ट आपका फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड आपका रहने वाला है फाइनल। इन तीनों को क्लियर करने के बाद आप बीकॉम सीएमए बन जाएंगे फ्रेंड्स। अगर अगर आपको दोस्तों इसके प्रोसेस को लेकर, इसके एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई क्वारी है, कोई डाउट है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। या फिर आपको इसके स्टेजेस देखने हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इसको एडमिशन लेने के लिए, और आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिलेटेड टू कोस्ट अकाउंटेंट, तो फिर आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशन से। इसमें आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट्स रहने वाली है? तो फाउंडेशन प्रोग्रामिंग में आपके चार सब्जेक्ट रहने वाली है, और चारों जो पेपर रहने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, मीन्स टिक मार्क वाले रहने वाले हैं। तो पेपर वन जो आपका रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट रहेगा, पेपर सेकंड जो आपका रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, पेपर थर्ड जो आपका रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड इथिक्स रहेगा, पेपर फोर्थ जो रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स रहेगा। ये आपके चार सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं फाउंडेशन प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशन में। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट कोर्स में आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट कोर्स में आपके दो ग्रुप रहने वाले हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन में भी आपकी चार सब्जेक्ट रहेंगे और ग्रुप टू में भी आपकी चार सब्जेक्ट रहेंगे। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप ग्रुप वन और टू एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग वे में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपके फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें आपकी चार सब्जेक्ट ये रहेगी। फ्रेंड्स, पहले जो सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगी, पेपर टू जो आपका रहने वाला है वो लॉ एंड एथिक्स रहेगा, पेपर थ्री आपका रहने वाला है डायरेक्ट टैक्सेशन, एंड पेपर फोर जो आपका रहने वाला है कोस्ट अकाउंटिंग। ये इंटरमीडिएट कोर्स का आपके ग्रुप वन की चार सब्जेक्ट थी। अब हम आते हैं ग्रुप टू में आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट रहने वाली है। तो पेपर फिफ्थ जो आपके रहने वाला है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रहने वाला है, पेपर सिक्स जो आपके रहने वाला है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहने वाला है, पेपर सेवन जो आपका रहने वाला है इनडायरेक्ट टैक्सेशन रहने वाला है, एंड पेपर एट जो आपका रहने वाला है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट रहने वाला है। ये आपकी इंटरमीडिएट कोर्स के आठों सब्जेक्ट थे जिसके बारे में हमने अभी देखा। ये जो पेपर आपके रहने वाला है ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ये आपके सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, और हर पेपर जो आपके रहेंगे 100-100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब हम आते हैं फाइनल कोर्स में। फाइनल कोर्स में भी आपके जो होगा दोस्तों दो ग्रुप होएगा, ग्रुप वन और ग्रुप टू, और दोनों ग्रुप में आपकी चार चार सब्जेक्ट रहने वाली है। तो पेपर वन जो आपका रहेगा फाइनल कोर्स का ग्रुप वन के अकॉर्डिंग वो आपका रहेगा कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लाइंसिस, पेपर टू जो आपका रहेगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर थ्री जो रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेज कोस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, पेपर फोर जो आपका रहेगा डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये आपकी चार सब्जेक्ट रहेगी ग्रुप वन के अकॉर्डिंग। अब पेपर ग्रुप टू जो है आपका, उसके फिफ्थ सब्जेक्ट आपकी रहने वाली है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगी, पेपर सिक्स इंडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस रहेगा, पेपर सेवन कोस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट रहेगा, और जो पेपर एट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ये आपका रहेगा पेपर ग्रुप टू का एट पेपर्स आपके रहेंगे अंडर फाइनल सिलेबस। तो आज की जो क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें हमने फुल सिलेबस देखा सीएमए कोर्स में आपका जो रहने वाला है। और अगर आपको सीएमए कोर्स से फुल डिटेल्स चाहिए या फिर इसको एडमिशन के लेकर आपको क्वारी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और आपको कोई अगर क्वारी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड आपके लिए और वीडियोज ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।